हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ इम्पॉर्टेंट केस स्टडी दैट इज़ अ डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ऑन अ टॉपिक ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वी ऑलरेडी डिस्कस इन आर प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा था उसका मीनिंग और इन द फैक्ट्स कि कब कब हम कॉर्पोरेट विल को उठाते हैं बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स. हमने पढ़ा था कि कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम उन दोनों को अलग अलग नाम मान के एक ही मानते हैं, जिसमें हमने जहाँ पे हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में. तो आज हम उसी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी पढ़ने वाले हैं जहाँ पे दोनों को अलग अलग ना देख के हम एक ही मानेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस केस स्टडी को इन अ सिंप्लीफाइड वे. तो इसमें जो कॉन्टिनेंटल कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है इन अ इंग्लैंड. कॉन्टिनेंटल कंपनी का बिजनेस क्या होता है, वो टायर सप्लाई करती है टू अ डैमलर कंपनी. जो कॉन्टिनेंटल कंपनी है उसके ऑल द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स आर रेजिडेंट ऑफ जर्मनी. वो सभी क्या हैं, जर्मनी के रेजिडेंट हैं, सिर्फ एक शेयर होल्डर को छोड़ के. ऑल शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स आर रेजिडेंट ऑफ जर्मनी. और जो कंपनी है वो कहाँ की बनी हुई है, वो बनी है इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंग्लैंड. तो कॉन्टिनेंटल कंपनी क्या करती है, ये सप्लाई करती है जो टायर्स हैं, जो वो उसको बनाती है, टायर्स को सप्लाई करती है टू अ डैमलर कंपनी. डैमलर कंपनी इज़ अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन द इंग्लैंड. और कॉन्टिनेंटल कंपनी भी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन द इंग्लैंड, बट जो शेयर होल्डर्स हैं एंड द डायरेक्टर्स हैं वो हैं सभी रेजिडेंट ऑफ जर्मन के. उस टाइम पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन बोथ द कंपनीज, द डैमलर कंपनी एंड द कॉन्टिनेंटल, उस टाइम पे वर्ल्ड वार वन चल रहा था. वर्ल्ड वार वन जो चल रहा था वो था इंग्लैंड एंड अदर कंपनीज का विद द जर्मनी का. उस टाइम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, का ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जिस कंट्री के साथ वॉर चल रहा होता है उसको क्या माना जाता है, उसको एनिमी कंट्री माना जाता है. तो डैमलर कंपनी जो टायर्स लेती है उन्हें फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल कंपनी, अब वो कंसर्न होती है फॉर द पेमेंट टू द कॉन्टिनेंटल कंपनी. और वो कंसर्न क्यों है, वो कंसर्न इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार वन कॉन्टिनेंटल कंपनी अब उसकी एनिमी कंट्री है. अब वो एनिमी कंट्री किस तरीके से हुई, अब हमें ये देखना है, क्योंकि वो जो कंपनी बनी है वो इंग्लैंड में बनी है और डैमलर कंपनी भी इंग्लैंड में है, बट इसके क्या फैक्ट्स होंगे कि इसको हम एनिमी कंट्री वो क्यों मान रही है. तो वो पैसे देने से क्या कर देती है, मना कर देती है टू कॉन्टिनेंटल कंपनी. और कॉन्टिनेंटल कंपनी को क्योंकि वो मना कर देती है तो उसको वो बोलते हैं डैमलर कंपनी को कि भैया पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम भी इनकॉर्पोरेट हुए हैं इन इंग्लैंड में, तो आप हमें एनिमी कंट्री क्यों मान रहे हो. तो जो कॉर्पोरेट विल है यहाँ पे लिफ्ट किया जाता है फ्रॉम अ कॉन्टिनेंटल कंपनी से, क्योंकि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं एंड डायरेक्टर्स हैं दे ऑल आर रेजिडेंट सिटीजन. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट विल को उठाया जाएगा और ये देखा जाएगा जो कॉन्टिनेंटल कंपनी है जो बनी तो इंग्लैंड में है, बट उसके जो पीछे के जो शेयर होल्डर्स हैं डायरेक्टर्स हैं जो उसको फॉर्म कर रहे हैं और चला रहे हैं वो कौन है, वो दे ऑल आर द जर्मन सिटीजन और उसके साथ चल रहा है वर्ल्ड वार वन, इसलिए वो उसको एनिमी कंट्री माना जाएगा. तो इस बेसिस पे जो डैमलर कंपनी है वो पैसे देने से मना कर देती है. और इसमें जो जजमेंट आई है वो जजमेंट भी यही आई थी, दो द कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड एंड इट इफेक्टिव कंट्रोल वॉज इन द हैंड ऑफ जर्मन्स. जो उसका कंट्रोल है वो किसके हाथों में है, जर्मन्स के हाथों में है. वो किस तरीके से, क्योंकि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं डायरेक्टर्स हैं दे ऑल आर द जर्मन रेजिडेंट, इसलिए उसको जो चला रहे हैं वो जर्मन चला रहे हैं. इसलिए डैमलर कंपनी इसी बेसिस पे ये मना कर देती है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने जो कैरेक्टर होल्ड कर रखा है वो एनिमी कैरेक्टर होल्ड कर रखा है, आप एनिमी कंट्री हैं और हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं. तो यही जजमेंट आई थी कि जो यहाँ पे जजमेंट इस बेसिस पे आई कि जो कॉर्पोरेट विल है उसको हम उठाएंगे, भले ही कंपनी जो कॉन्टिनेंटल है वो फॉर्म हुई है इन इंग्लैंड, बट जो उसके पीछे के शेयर होल्डर्स हैं एंड डायरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर देखा जाएगा कि वो कौन है और दे ऑल आर द जर्मन्स. इस बेसिस पे ये जजमेंट आई कि कंपनी डैमलर कंपनी सही है और वो उसको पेमेंट नहीं करेगी. यहाँ पे दोनों चीज़ों को, जो कंपनी है एंड द शेयर होल्डर्स हैं जो, उनको सेपरेट लीगल एंटिटी ना मान के यहाँ पे ये माना जाएगा कि वो दोनों को हम एक ही मानेंगे. यहाँ पे कंपनी इस तरीके से डिफेंड नहीं कर सकती है कॉन्टिनेंटल कंपनी कि बीइंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंग्लैंड तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. इस केस में दोनों को एक ही माना जाएगा और इसी बेसिस पे जजमेंट आए कि जो कंपनी है कॉन्टिनेंटल कंपनी उसने एक्वायर किया हुआ है एनिमी कैरेक्टर. तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी ये केस स्टडी बहुत अच्छी लगी है और आप बहुत ही इजीली समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए.